हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इस्तेमाल में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग का। आपका सैमसंग का कोई भी फोन है दोस्तों, आज आने का आपका टच काम करना बंद कर देता है और आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपका स्विच ऑफ नहीं होता है, रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी आपका रिस्टार्ट नहीं होता। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपके क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। इसके लिए आपको रिबूट करने के लिए आप जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को लगभग आपको 10 से 20 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। चलिए, आप 10 से 20 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारा फोन जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिस्टार्ट रिबूट हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि हमारा फोन चलते चलते अचानक टच काम करना बंद कर देता है, टच स्टॉप हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मोबाइल में फोन आता है और डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक बार अपने फोन को रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है। एक बार अपने फोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके जरूर देख लीजिए, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। आपका फोल्डर यदि खराब नहीं हुआ होगा तो आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा, यदि आपका मोबाइल हैंग हुआ होगा तो। और ऐसा प्रॉब्लम अक्सर उस मोबाइल में आता है जिस मोबाइल का सबसे मतलब फोल्डर बदला हुआ होता है, LCD बदला हुआ होता है, उस मोबाइल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि अचानक जो है टच काम करना बंद कर देता है, या मतलब डिस्प्ले पे फिगर नहीं दिखाई देता है, फ़ोन आता है और डिस्प्ले पे दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में आपको एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है। रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को लगभग 10 से 20 सेकंड तक आप प्रेस करोगे, उसके बाद आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमारा जो है टच काम करने लगा है। यहाँ पे हमने लॉक खोला, लॉक भी खुल गया। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल का हैंग प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। अधिकतर उस मोबाइल में ये प्रॉब्लम होता है जिस मोबाइल का LCD चेंज हुआ होता है, उसमें अक्सर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक बार रिबूट के रिस्टार्ट कर देना है, रिबूट कर देना है, आपका फोन ओके हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।